सभी उपस्थित मेरे साथी गणों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस बेहतरीन लेक्चर में, जो कि है ट्रस्ट एंड एलएलबी अकाउंट्स। आपके यहाँ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और तमाम सारे अकाउंट्स तो बहुत खुले होंगे, है ना? बट बहुत चुनिंदा ब्रांचेज होती है, बहुत कम ब्रांचेज होती है जहां पर ये ट्रस्ट या एलएलबीज अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। तो चलिए आज अपन जानते हैं इनके और बारे में कि क्या होते हैं ट्रस्ट अकाउंट, एलएलपीज, है ना? ट्रस्ट तो वैसे सभी लोग जानते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, मंदिर के ट्रस्ट होते हैं, जहां भी ट्रस्ट आपको लिखा दिख गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां आपने ट्रस्ट लिखा हुआ देखा वो सारे के सारे ट्रस्ट अकाउंट होते हैं, है ना? तो इनकी जरूरत हमें कहाँ पड़ी, कैसे पड़ी, उसके बारे में अपन एक चर्चा करते हैं आज। बहुत छोटी सी चर्चा रहेगी जिसमें कि आज हम सीखेंगे कि ये अकाउंट्स कैसे काम करते हैं, क्या होता है, कौन लोग खोल सकता है ना? तो क्लब्स, सोसाइटीज, स्कूल्स एंड अदर नॉन ट्रेडिंग एसोसिएशंस, कौन कौन से? क्लब्स, सोसाइटीज, स्कूल्स एंड नॉन ट्रेडिंग एसोसिएशंस मिलकर ये अकाउंट्स ओपन कर सकते। सच बॉडीज इफ नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ गवर्निंग देम कैन नॉट एंटर इनटू एनी ट्रांजेक्शन। दीज बॉडीज आर यूजली गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट और द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड फंक्शंस विद इन द एम्बिट ऑफ दोज लॉ। फॉर एग्जाम्पल, क्लब कैन बी रजिस्टर्ड आइदर अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। इन द केस ऑफ लेंडिंग टू दीज बॉडीज, अ बैंकर शुड स्टडी बायलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू देम एंड असर्टेन द लेगलिटी ऑफ लेंडिंग टू देम। ये जितनी भी बॉडीज होती हैं, क्लब्स हुआ, सोसाइटीज हुआ, स्कूल्स हुआ और बाकी सारे जो नॉन ट्रेडिंग एसोसिएशंस होते हैं, है ना, इन सब को, इन सब की जो गवर्निंग बॉडी होती है ना, दीज बॉडीज आर यूजली गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये सारी की सारी जो बॉडीज देख रहे हो आप सामने, तो इनको जो गवर्न करता है वो कंपनीज एक्ट करता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट करता है। जब भी ये आपके यहाँ अकाउंट ओपन करने आए या आपके यहाँ लोन लेने के लिए अगर ये बॉडीज आती है, तो बैंकर तो भाई ब्रह्मा जी का अवतार है, उसको तो भाई सब पता रखना है कि अगर ये आएगा तो क्या करना पड़ेगा, ये आएगा तो क्या करना पड़ेगा, ये आएगा तो क्या करना पड़ेगा। तो बैंकर को चाहिए कि उसके बाय लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस टू एप्लीकेबल टू देम असर्टेन द लीगलिटी टू लेंडिंग देम। उसको क्या करना है, सबसे पहले सारे के सारे उस सोसाइटी से रिलेटेड बाय लॉस पढ़ने हैं, उसके रूल्स पढ़ने हैं, उसके रेगुलेशंस पढ़ने हैं कि क्या उन पर एप्लीकेबल होते हैं, एंड असर्टेन करना है लेगलिटी ऑफ लेंडिंग टू देम। जैसे कि हमारे देश में अलग अलग अभी समाज है, उनके अलग अलग कानून है। जैसे अगर मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स में वक्फ बोर्ड करके उनका एक ट्रस्ट बनाया जाता है, वो उनको गवर्न करता है। हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं में ट्रस्ट नाम से बनाया जाता है, ये रामचरित्र मानस ट्रस्ट, ये फलाना ट्रस्ट, ये ट्रस्ट, ये स्वामी नारायण ट्रस्ट, है ना? इस तरीके से ट्रस्ट होते हैं। तो जब ये ट्रस्ट बनाए जाते हैं तो इनके बायलॉज होते हैं कि भाई ये कुछ कुछ इनके नियम कायदे कानून होते हैं, है ना? तो उनके बारे में हमको बेसिक जानकारी होना चाहिए और साथ में उनके रेगुलेशंस क्या है, रूल्स क्या है, उनके क्या कार्यविधि है, किन सिद्धांतों पर वो काम करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और ऐसी जानकारी होना चाहिए जिसको आप लीगली क्या कर सको, जिसको आप लीगली प्रूफ कर सको, ठीक है? जिसको आप लीगली प्रूफ कर सको। तो जब भी आप कभी किसी को लैंड करें, लोन दें या उनके अकाउंट कर लेना चाहिए। ट्रस्ट के बारे में बात करते हैं। ट्रस्ट आर गवर्न बाय द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। अब देखो, जब भी परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा प्रश्न, है ना? ये जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, इसके बारे में वो बड़े ध्यान से देखने की चीज है।
These are governed by the Indian Trust Act 1882. दो प्रश्न बन गए, क्या कि ट्रस्ट को कौन गवर्न करता है? तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट करता है 1882। कब ये बना था, ये एक्ट कब बना था, इंडियन ट्रस्ट एक्ट कब बना था? तो ये 1882 में इसका ये मतलब परिचय में आया था, इंडियन ट्रस्ट एक्ट। इफ दे आर प्राइवेट ट्रस्ट एंड बाय पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, इफ दे आर पब्लिक ट्रस्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में कब तक आएंगे? अगर वो ट्रस्ट होगा, कोई भी ट्रस्ट हो सकता है, गवर्नमेंट ट्रस्ट भी हो सकता है या प्राइवेट ट्रस्ट भी हो सकता है। तो ये या प्राइवेट होगा या गवर्नमेंट होगा तो ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट में आएंगे, और अगर कोई पब्लिक ट्रस्ट होगा तो वो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में आएगा। अगर कोई पब्लिक का ट्रस्ट होगा तो वो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में आएगा। जैसे कई लोग, बहुत सारे राष्ट्रों में देखा होगा कि कई लोग गर्मियों में छाछ पिलाते हैं, ठीक है? तो अब छाछ के लिए उन्होंने कहा कि भाई छाछ ट्रस्ट एक कोई बढ़िया सा नाम लेके उन्होंने कहा भैया ये छाछ ट्रस्ट बना दिया है, स्वामीनारायण ट्रस्ट बना दिया है ना, कोई भी एक नाम लेके यार उन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया, जहां पर ट्रस्ट के मेंबर हो, उन्होंने अपना उद्देश्य रख लिया कि भाई हमको ये काम करना है, उसके लिए हमने ट्रस्ट बना दिया। जनरली एक पब्लिक का ट्रस्ट है ना, आम पब्लिक भी जुड़ रही है उससे, ये सारे गवर्निंग किससे होंगे? पब्लिक ट्रस्ट एक्ट से, और रिलीजियस और एंड चैरिटेबली एंडोर्समेंट एक्ट, इफ दे आर द ट्रस्ट ऑफ इंडिविजुअल। रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोर्समेंट एक्ट के तहत आएंगे अगर वो ट्रस्ट हिंदूज है, हिंदुओं के जो भी ट्रस्ट रहेंगे वो रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोर्समेंट एक्ट के तहत आएंगे सारे के सारे ट्रस्ट। मुस्लिम्स के जो ट्रस्ट रहेंगे वो गवर्न करेगा उनको वक्फ एक्ट, है ना, मुस्लिम्स के ट्रस्ट को वक्फ एक्ट गवर्न करेगा। फॉर डीलिंग विद द ट्रस्ट वन नीड्स टू डिटरमाइन द लॉज एप्लीकेबल टू देम एंड शुड एंश्योर द लैंडिंग इज विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, है ना। तो इन सबको ये गवर्न करेंगे, हिंदू को कौन करेगा रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोर्समेंट एक्ट, मुस्लिम को कौन करेगा वक्फ एक्ट, और गवर्नमेंट के और प्राइवेट जो रहेंगे उनको करेगा द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, पब्लिकली जो रहेंगे उनको करेगा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, ठीक है। अब ट्रस्टी क्या होगा, जब ट्रस्ट की बात आई तो अब ट्रस्टी की भी बात कर लेना चाहिए। ट्रस्टी कौन होगा? ट्रस्टी मैनेज ट्रस्ट, ट्रस्टी कौन होगा? जो ट्रस्ट को मैनेज करे, ट्रस्टी मैनेज ट्रस्ट, चैरिटी कमीशन, ट्रस्टी मैनेज ट्रस्ट, द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द ट्रस्टीज आर प्रोवाइडेड इन द ट्रस्ट डीड, जो पावर्स होंगी और उनके जो कर्तव्य होंगे वो उनके जो भी ट्रस्ट होंगे होंगे वो उनके ट्रस्ट डीड में उल्लेखित होंगे, है ना। जो ट्रस्ट डीड बनती है उसमें उल्लेखित होंगे कि भाई जो भी इस ट्रस्ट में ट्रस्टी रहेगा उसके क्या कार्य होंगे, है ना, इस तरीके से। या और उनके शेयर में भी डिपेंड कर सकता है कि भाई ये अध्यक्ष का काम करेगा, ये कोष अध्यक्ष का काम करेगा, ये सचिव का काम करेगा, ये प्रचारक का काम करेगा, इस तरीके से उनके अलग अलग रोल भी निर्धारित किए जाते हैं, उनकी पावर्स भी निर्धारित की जाती है, और इस सब की जानकारी जो होती है वो ट्रस्ट डीड में होती है। एंड ऑल्सो रेगुलेटेड एंड आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द रिस्पेक्टिव लॉ एप्लीकेबल टू सच ट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट द चैरिटी कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ एंडोर्समेंट हैव द पावर टू सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ द ट्रस्ट। द ट्रस्ट, अब जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो भी पब्लिक ट्रस्ट होते हैं उसमें जो चैरिटी कमिश्नर होता है ना, या कमिश्नर होता है जो कि कमिश्नर ऑफ एंडोर्समेंट, तो उसके पास पावर होती है कि वो सभी अपनी एक्टिविटी, जो भी ट्रस्ट एक्टिविटीज कर रहा है उस ट्रस्ट की सारी एक्टिविटीज को वो सुपरवाइज करे, और मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जो ट्रस्टी होता है उसको मुटावली कहा जाता है ना, उसको मुटावली कहा जाता है। एंड ही कंडक्ट द फंक्शन एंड रेगुलेट द वक्फ बोर्ड, वो क्या करता है, जितने भी वक्फ बोर्ड की एक्टिविटीज होती है उन सभी को वो कंट्रोल करता है। देयरफॉर अ बैंकर डीलिंग विद द ट्रस्ट शुड एंश्योर दैट ऑल द परमिशन रिक्वायरमेंट्स, फिर से ध्यान देना, बैंकर होने के नाते आपको
इंश्योर करना है कि सारी की सारी परमिशन जो कि रिक्वायर्ड है उस अकाउंट को ओपन करने में, या अगर आप कोई लोन दे रहे हैं या एडवांसेस दे रहे हैं तो उसको लेंड करने में जो भी आपको परमिशंस ऑब्टेन करना है वो आपको इसेंशियल रूप में पहले ऑब्टेन कर लेनी है, ऑब्टेन फ्रॉम रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो भी उससे रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट अथॉरिटी है उससे आपको सारी की सारी ये परमिशंस लेके रख लेनी है। बैंक में कंसीडर टेकिंग द फॉलोइंग इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हाइल ओपनिंग द ट्रस्ट अकाउंट। बैंक ने अपना एक जनरल फॉर्म बनाया है जहां पर उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए ट्रस्ट के अकाउंट ओपन करने के लिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जहां पर आपने अपनी ट्रस्ट को रजिस्टर्ड किया है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सेकेंड ट्रस्ट डीड, जो भी ट्रस्ट की डीड है वो उसके बाद हमको एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में चाहिए रहेगी। फिर पैन नंबर एंड फॉर्म 60, यहाँ और नहीं एंड फॉर्म 60, पैन नंबर सॉरी पैन नंबर और फॉर्म 60। अगर पैन नंबर बना हुआ है ट्रस्ट का तो पैन नंबर, और अगर पैन नंबर नहीं बना है अप्लाई किया हुआ है तो उस जगह पर फॉर्म 60 भी लेके आप काम चला सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट कि डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू बेनिफिशियरी ओनर्स, जो भी उस ट्रस्ट से जुड़े हुए बेनिफिशियरी ओनर हैं उन सभी के आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। मैंने बेनिफिशियरी के मैनेजर्स के ऑफिसर्स के और जितने भी एम्प्लॉयज हैं सभी के एस केस में भी होल्डिंग एन अटॉर्नी टू ट्रांजैक्ट ऑन इट्स बिहाफ। तो सभी के आपको केवाईसी इंश्योर कर लेने हैं। ये थी आपकी ट्रस्ट की बात की, ट्रस्ट में आपको क्या जानकारी चाहिए थी और कैसे आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से अगर अकाउंट ओपन के लिए आता है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करना। अब आते हैं एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म का नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी जिसको कहा जाता है, एलएलपी के बारे में आज चर्चा करते हैं कि एलएलपी क्या होता है। ये एक तरीके की पार्टनरशिप फर्म होती है। कौन सी फर्म होती है? पार्टनरशिप फर्म होती है जहां पर पार्टनर्स के पावर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? एक सीमित दायरे तक। जैसे कि पार्टनरशिप जो फर्म होती है वहां पर जो पार्टनर्स की पावर होती है वो अनलिमिटेड होती है। दो लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों उसके राजा है कि नहीं? दो लोगों ने पार्टनरशिप में काम किया, दोनों लोग उस काम के राजा हैं, है ना? तो ये क्या हुआ? पार्टनरशिप फर्म। अब लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म कैसे आई? लिमिटेड, अब इसकी जरूरत कैसे पड़ी? सबसे पहले तो अपन ये देख लें कि इसकी जरूरत कैसे पड़ी। भाई जैसे कि दोनों राजा हो गए दोनों फर्म में, पर एक जो पार्टनर था उसने कुछ गड़बड़ कर दिया। अब उस पार्टनर ने गड़बड़ कर दिया तो उसका जो भुगतान है वो बेचारा दूसरे पार्टनर को भी भुगतना पड़ा। पर अगर एक पार्टनर काम गड़बड़ कर दे तो जो पार्टनर काम गड़बड़ कर रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में अपने दूसरे पार्टनर को भी तो ले जाएगा, क्योंकि बिजनेस तो वही डूबो देगा, है ना? दूसरे पार्टनर को भी भुगतना पड़ा और जो नुकसान था वो दूसरे पार्टनर की भी पर्सनल संपत्ति को बेचकर उसका भुगतान किया गया। तो इसी को ओवरकम करने के लिए आया लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म। अब लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा कि जो भी पार्टनर रहेंगे वो अपनी एक सीमित पूंजी लगाएंगे। सपोज करो मैं हूं एक पार्टनर और मैंने अपनी 1 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई, अब मेरी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ 1 करोड़ ही रहेगी। चाहे अपनी फर्म में कितनी बड़ा कुछ भी हो जाए, मेरी लायबिलिटी कितनी रहेगी? सिर्फ 1 करोड़ की रहेगी। कोई भी फर्म में स्वतंत्र राजा नहीं रहेगा, सब उतने ही राजा रहेंगे जितना पैसा वो खर्च करेंगे। मैंने 1 करोड़ किया, मैं 1 करोड़ वाला राजा। कोई 10 करोड़ करेगा वो भाई 10 करोड़ तक का राजा, उसकी पावर्स भी 10 करोड़ वाली रहेंगी। ठीक, अगर मान लो कोई गड़बड़ करता है और कंपनी का नुकसान होता है तो सिर्फ मुझे 1 करोड़ तक का ही नुकसान होगा, उससे ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। क्यों? मैंने 1 करोड़ लगाए थे और लिमिटेड लायबिलिटी
पार्टनरशिप कहती है कि जो भी इसमें आपकी लायबिलिटी है वो सिर्फ 1 करोड़ तक की ही रहेगी, उससे ज्यादा की आपकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। ये कहलाएगा आपका लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्म। ठीक है, क्लियर? इतना सब कुछ पढ़ने की जगह जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया कि क्या होता है लिमिटेड लायबिलिटी? तो ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी। अब इसमें कौन पार्टनर नहीं बन सकता? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि दिमाग से अनसाउंड हो वो इसमें पार्टनर नहीं बन सकता। कोई भी ऐसा पर्सन ही इज इन अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट, कोई अगर अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट है तो वो इस फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। ही हैज अप्लाइड टू एन एडजस्टेड एज इनसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, वो भी इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, बन सकने वाली कंडीशन तो बहुत सारी है, नहीं बन सकने वाली कंडीशन जरूर ध्यान देंगे। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज कैपेबल ऑफ द फॉलोइंग ऑन इट्स नेम: एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब लिमिटेड पार्टनरशिप जो फर्म है वो कहाँ कहाँ घुस के अपना बिजनेस कर सकती है या कहाँ कहाँ जाके वो अपना काम को एग्जीक्यूट कर सकती है? एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, सबने 1-1 करोड़ रुपए लगा के और रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब 3 लोग थे, 3 लोग ने 1-1 करोड़ लगा के 3 करोड़ रुपए में रोड में पैसा लगा दिया, पता चली रोड बनी 4 करोड़ की। अब क्या होगा? तो नुकसान हो गया ना सबको, तो उस नुकसान की भरपाई ये होगी कि भाई 1-1 करोड़ रुपए ही नुकसान हो, है ना, बाकी और जो भी उसके मेंबर्स रहेंगे या उस पे कर्जा लेके उसको चुकाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि अब जो LLP है वो कौन सा काम कर सकती है? एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा सकती है। एक्वायरिंग, होल्डिंग, ओनिंग, डेवलपिंग और डिस्पोजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी के पूरे जितने फंक्शनल काम होते हैं उन सारे काम में वो डील कर सकते हैं। स्विंग एंड बीइंग स्वीड एंड डूइंग एंड सफरिंग एज अ बॉडी corporate can lawfully do and suffer. The LLP is a separate legal entity and is liable to full extent of its asset. जो LLP रहेगा वो एक separate legal entity रहेगा और liable रहेगा full extent के अपने asset के लिए। Liabilities of the partner is limited to their agreed contribution. जितने भी partner रहेंगे उनकी liability कितनी रहेगी? Agreed contribution, वही अभी मैंने बताया ना कि अगर 1 करोड़ रुपए लगाया तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ 1 करोड़ की रहेगी, 10 रुपए लगाया तो सिर्फ उसकी लायबिलिटी 10 रुपए की रहेगी, उससे 10 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल सकते, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से तो वसूल ही नहीं सकते, उसको टच ही नहीं करना। उसने अगर 10 रुपए लगाया तो उससे 10 रुपए ही वसूल सकते, उससे ज्यादा नहीं वसूल सकते। ये कहलाता है लिमिटेड लायबिलिटी। तो यही सब इसमें दिया हुआ है कि नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ द पार्टनर। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर विद इन द एलएलबी आर गवर्न्ड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स और बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलबी। केस में भी वही सब बात जो मैं आपको समझा चुका हूँ वही यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन इज फाइल्ड विद इन द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। जब भी आप LLP ओपन करेंगे तो उसका एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स रहेगा, उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार के यहाँ, है ना, और उसका एक डीड भी तैयार होगा। ठीक है, स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म मींस अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 लैक्स। हम लगा रहे 10-15 मिनट में क्लास ले रहे हैं।
अपॉन लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म्स पार्टनरशिप फंड्स का मतलब है कि द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 लैक्स। लिमिटेड लाइबिलिटी का मैक्सिमम कैप जो है वो 25 लैक्स है, कि इसमें मैक्सिमम कोई भी व्यक्ति जो लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर आएगा वो 25 लाख नहीं रहेगा। मैक्सिमम कैप 25 लाख, मिनिमम कैप कितना है 10 रुपए, मैक्सिमम 25। द टर्नओवर ऑफ विच फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एग्जिस्ट 40 लैक्स। जो भी एलएलपी का टर्नओवर है वो लगभग लगभग 40 लैक्स से क्रॉस नहीं करना चाहिए। बैंक में कंसीडर टेकिंग द फॉलोइंग इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग एन एलएलपी अकाउंट। बैंक ने अपनी एक लिस्ट जारी करी है जिसमें कि अगर एलएलपी अकाउंट ओपन करना है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहले जब भी एलएलपी की बात होगी तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ट्रस्ट, क्लब, जो भी होगा, जो भी फॉर्मेशन होगा है ना, उसके लिए सबसे पहले उसका सर्टिफिकेशन ही चाहिए, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। दूसरी बात चाहिए हमें पैन एलएलपी का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो फर्म है उसका पैन भी बनवाना जरूरी है। रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस प्रूफ की कहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, पैन एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, जितने भी पार्टनर्स हैं एलएलपी के उन सभी का पैन और एड्रेस प्रूफ, मतलब आधार और पैन सभी का, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी का हमको लेना है। एलएलपी एक एग्रीमेंट के तहत खुलेगा, जैसे पार्टनरशिप फर्म एक एग्रीमेंट के तहत खुलती है, ऐसे एलएलपी भी एक एग्रीमेंट के तहत होगा। तो एलएलपी एग्रीमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट एज स्पेसिफाइड बाय द पैन, और भी डॉक्यूमेंट जो स्पेसिफाई जैसे ईकेवाईसी वगैरह हम ले लेते हैं है ना, तो वो सारी की सारी आपको लेनी। अब आपका अपन प्रोग्रेस देखते हैं क्या है, तो फटाफट रेडी हो जाइए आप अपने मोबाइल को लेके, और जो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो वो अपनी स्क्रीन पर लैपटॉप लेके बिल्कुल तैयार हो जाइए कुछ चुनिंदा प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो मजा आएगा अगर आप लोग फटाफट इन सबके आंसर देंगे। तो तैयार है सभी लोग? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कवर क्लब, सोसाइटीज, स्कूल्स एंड नॉन ट्रेडिंग एसोसिएशंस if they are not incorporated under any specific laws? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इन नीचे जो एक्ट दिए हुए हैं उसमें से कोई एक इनको गवर्न करता है, किसको? सोसाइटीज को, क्लब्स को, स्कूल्स को और नॉन ट्रेडिंग एसोसिएशन को। यस, बहुत बढ़िया प्रतिभा जी, बहुत सही आंसर दिया है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ठीक है। बट जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है वो किसको करता है? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, किसको करता है? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बॉडीज को गवर्न करता है। और यहां पर किसका बात कही गई है? सोसाइटीज, स्कूल्स एंड नॉन ट्रेडिंग एसोसिएशंस, तो इन सभी को गवर्न करता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इन सभी को करता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। बट आपने बहुत अच्छा काम किया कि एटलीस्ट आपने आंसर दिया, अब कभी आप भूलेंगे नहीं एग्जाम्पल आंसर के लिए। बहुत बारीक इसमें कॉन्सेप्ट्स है ना, तो इसको जरा ध्यान देना। अभी अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इन द केस ऑफ लेंडिंग टू क्लब्स और नॉन ट्रेडिंग एसोसिएशन व्हाट शुड अ बैंकर स्टडी टू एंश्योर द लीगलिटी ऑफ लेंडिंग, द लीगलिटी ऑफ लेंडिंग। बताया था ना आपको कि बैंकर जो है वो अवतार है ना, उसको पता है कि उसको कौन से कागज लेने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से लॉ फॉलो करने हैं, कौन से रेगुलेशंस देखने हैं, है कि नहीं? तो इन चार ऑप्शन में से क्या ऑप्शन हो सकता है? ट्रस्ट डीड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या बायलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बायलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ लेंडिंग टू क्लब्स और नॉन ट्रेडिंग एसोसिएशंस। व्हाट इज द गवर्निंग लॉ फॉर प्राइवेट ट्रस्ट इन इंडिया, ये तो बहुत अच्छे से बता देंगे।
प्राइवेट ट्रस्ट को कौन गवर्न करता है इंडिया? जस्ट अभी एक प्रश्न पहले ही तो हमने अभी उसका फिर से उत्तर दिया। व्हाट इज द गवर्निंग लॉ फॉर प्राइवेट ट्रस्ट? इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म एलएलपी? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड फॉर एलएलपी, तो दाय कितने पार्टनर्स, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हमने पढ़ा था ना अभी जस्ट 2 मिनट पहले। पार्टनर्स मैक्सिमम कैप अनलिमिटेड हो सकता है, पार्टनर्स का मैक्सिमम कैप अनलिमिटेड हो सकता है, बट मिनिमम की बात करी है तो उसमें सिर्फ 2 पार्टनर्स हो सकते हैं। कितने पार्टनर्स होंगे? सिर्फ 2 पार्टनर्स, मिनिमम 2 पार्टनर्स। अंडर विच एक्ट इज द एलएलपी फॉर्म? ये आया कुछ, अंडर विच एक्ट एलएलपी इज फॉर्म बताओ। आंसर भी आपके सामने लिखा है, आपको सिर्फ मोबाइल से टच भर करना है, सिर्फ आपको ऑप्शन टाइप करना है कि क्या होगा आंसर। इट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिशिबल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर अ स्मॉल लाइबिलिटी पार्टनरशिप? मैक्सिमम परमिशिबल कैप क्या है एलएलपी का? मैक्सिमम परमिशिबल कैप, यस बहुत सही प्रतिभाजी, इट्स 25 लाख। इट्स 25 लाख, बिल्कुल सही आंसर आपका, बिल्कुल बेहतरीन। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, नींद आ रही है फिर भी उसको मत कोसो कि इतनी रात में भी पढ़ा रहे हैं, जितने थके आप है उतने ही थके हम भी हैं। तो मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।